हाय गाइस कैसे हैं आप सब सो so, हम पहुंच गए हैं सेट एट की तरफ जहां पे हम पी यानी पास्ट ईयर क्वेश्चंस और पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे फॉर एच 2021 मुझे बहुत उम्मीद है कि सेट नंबर वन टू सेवन तक आपने सारे के सारे कर लिए होंगे सबकी सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पूरी की पूरी प्ले भी दी गई है आपको उसमें इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ और भी वीडियोज़ हैं उनको प्लीज देखिए एक बार देखने के बाद बार बार देखिए इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लियर दिस दिस टाइम टाइम ओनली मेक योर योर फाइनल सो विदाउट वेस्टिंग इट्सिंग स्टार्ट सबसे पहला क्वेश्चन ये जो आया था इसमें आया था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज पोजिशन एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मैनी किलोमीटर्स अब सी लेवल देखिए क्वेश्चन टफ नहीं होता उसको ऑप्शन टफ बना देती हैं अब इसमें अराउंड जो ज्यादातर लोग सोचते हैं वो सोचते हैं थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में भी यही दिया हुआ है लेकिन वो बहुत ज्यादा अप्रॉक्सीमेशन के बाद हो जाता है तो अब आपको बताना है कि इन वाली ऑप्शन में से जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होती है वो कितने डिस्टेंस किलोमीटर पे होती है तो आपका आंसर होगा इसमें बी थर्टी फाइव थाउजेंड सेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है उसमें से किस साइट में राइस कल्टीवेशन का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है चन्हुदारो, कालीबंगन ढोलावीरा या रंगपुर तो आपका आंसर है इसमें डी रंगपुर की दो साइट्स हम पढ़ते हैं जहां पे राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं एक आपके सामने है रंगपुर और एक हो सकता है आप क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट साइड तो वो है लोथल साथ ही साथ आप ये भी देख लें कालीबंगन हरियाणा की नेबरिंग स्टेट राजस्थान में है ढोलावीरा जो हमारी वेस्टर्न मोस्टेट आ जाती है गुजरात वहां पे है और चन्हूदारो कहाँ पे है जरा आप सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसके अंदर क्या चीज आती है थ्री जोनल एडमिनिस्ट्रेटर्स फोर जोनल एडमिनिस्ट्रेटर्स फाइव जोनल एडमिनिस्ट्रेटर्स सिक्स जोनल एडमिनिस्ट्रेटर्स साथ के साथ स्टेट ऑफिसर्स एंड उनके असिस्टेंट ऑफिसर्स तो आपका आंसर है ए फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन दी कॉन्करेंट लिस्ट शेड्यूल सेवन के ऊपर क्वेश्चन आया है पूछा गया है कि इनमें से कौन से टॉपिक है कौन सा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर नहीं है मतलब या तो वो यूनियन में होगा या तो वो स्टेट में होगा वो कॉन्करेंट में नहीं है तो ए बी सी डी आपका आंसर होगा डी पब्लिक ऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन मार्क्ड इनकरेक्टली करेक्टली फैल्कन कैपिटल नागालैंड को कहते हैं करेक्ट गेटवे टू ईस्ट मणिपुर को कहते हैं करेक्ट लैंड ऑफ द हिल पीपल मिजोरम को कहते हैं करेक्ट तो आंसर हो गया डी नन ननौदी अबाब सिक्स क्वेश्चन आप बताइए कि वॉट इज लेंथ ऑफ मेटल रोड इन हरियाणा अब ये पीवाई क्यू का क्वेश्चन है मैं आपको आंसर भी पीवाई क्यू का दूंगा हो सकता है एज ऑन डेट कुछ चेंज हो जाए तो अगर कोई चेंज है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो आंसर है बी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन थर्टी वन इमिटो हमने देखा है एच में फोबियास के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं और उनकी स्टडीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन आता है कि इमिटोफोबिया इज द फेवर ऑफ तो क्वेश्चन आता है इमिटोफोबिया इज द फीयर ऑफ वॉमिटिंग स्पाइडर्स हाइट टनल आंसर है ए वॉमिटिंग सो बाकी के भी अगर हम देख लें कि हो सकता है उनपे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए तो फियर ऑफ स्पाइडर्स को क्या कहते हैं फियर ऑफ स्पाइडर्स को हम कहते हैं एरैक्नोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स को क्या कहते हैं उसको कहते हैं एक्रोफोबिया तो फियर ऑफ टनल्स को क्या कहते हैं उसको कहते हैं जिफीरोफोबिया नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैटेन स्टेट ज्वाइन विच टू कंट्रीज मेक्सिको क्यूबा इटली अल्बेनिया पैपोन न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया मलेशिया आंसर है ए मेक्सिको एंड क्यूबा जो इंडोनेशिया एंड मलेशिया में पड़ता है बहुत बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रेट है वो जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट पूना सार्वजनिक सभा कब बनी थी वो बनी थी 2 अप्रैल 1870 में ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा इनमें से कौन से वो हैं जो पूना सार्वजनिक सभा के फाउंडर नहीं हैं? एम जी रानाडे पता होता है लेकिन एस एच चिपलंकर वो भी हो सकता है आप क्लिक कर जाओ लेकिन गणेश वासुदेव जोशी हो सकता है आप गलती कर जाओ या शायद आप गलती ना करो तो तीनों है ये फाउंडर्स और आपका आंसर है डी नन ऑफ नबा इलेवेंथ क्वेश्चन वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड तो आपका आंसर है ए हैदराबाद अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन पूछ चुके हैं तो हो सकता है इस बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ व्यूरोलॉजी आ जाए जो कि है पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ व्यूरोलॉजी पुणे आ भी चुका है दो तीन एग्जाम्स में जो अभी तक 2021 में हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं मैंने हर बार कहा है क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन क्वेश्चन सिंपल भी नहीं है स्टैंडर्ड आप जब पढ़ते हैं सिविल सर्विस के लिए हो सकता है आपसे ये मिस हो जाए तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी टफ हो जाता है तो आंसर है ए प्रिंसिपल ऑफ ये बताइए क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी किसने दी थी ए बी सी डी आपका आंसर है ए हारवी लिबेन्टीन ने दी थी क्रिटिकल मिनिमम एफ़र्ट थ्योरी और अगर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि ये होती क्या चीज़ है तो ये थ्योरी ये कहती है कि अगर एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करना है तो वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इम्प्रूव नहीं करेगी क्योंकि वो एक विशेष सर्कल ऑफ़ पॉवर्टी में फंसी हुई होती है लेकिन अगर उसको अपना विशेष सर्कल ऑफ़ पॉवर्टी ब्रेक करना है तो उसके लिए जो उस इकॉनॉमी को एक मिनिमम एफर्ट चाहिए और जो वो मिनिमम एफर्ट होगा वो उसके सस्टेनेंस लेवल से ऊपर का होना चाहिए जस्ट इन दैट सेंस कि वो इतना क्रिटिकल होगा कि अगर एक इकॉनमी की प्रोग्रेस ऐसे चल रही थी तो वो एफर्ट डालने के बाद उसकी प्रोग्रेस ऐसे होने लगेगी उसको अपने आप एक थ्रस्ट मिलेगा तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी का मतलब कि एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी जिसको एक थोड़ा सा मिनिमम से एक लेवल ऊपर पुश मिले ताकि वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके तो ये दी थी हार्वी लेन ने बाकी जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं रोजेंटीन रोस्टो ये सब भी बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं बी नाइनटीन फिफ्टी फोर मस्टाइटिस इन एनिमल्स इज ड्यू टू ए बी सी डी आपका आंसर है सी बैक्टीरिया एंड वायरस इसको अडर डिजीज भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1877 में एंट्रेंस एज टू इंडियन सिविल सर्विस वाज फ्रॉम 21 टू ईयर हम जानते हैं इक्कीस साल से कम हुई थी 1877 में इंडियन सिविल सर्विस की एंट्री एज तो वो कितनी करी गई थी वो करी गई थी सी नाइनटीन अब आप मुझे बताओ कि 1877 में कौन वॉयस रहे था जिसके अंडर ये हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड सर सर हम्फ्री हम्फ्री ने क्या इन्वेंट किया सर हमफ्री ने इन्वेंट किया था सी सेफ्टी लैम्प जो आपका एक्सरेज है वो रोएंटेगन ने किया था बहुत फेमस है लगभग हर एग्जाम में आ ही जाता है कंट्री इज़ टू मैं आपको देता हूं दस सेकेंड आप सोच के मुझे बताइए ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए आपका आंसर है सी भूटान नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ दोज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वो किस पे डिपेंड नहीं करती तो वो वेवलेंथ पे करती है बिल्कुल करती है फ्रीक्वेंसी पे करती है बिल्कुल करती है वर्क फंक्शन नाम में ही लिखा है वर्क फंक्शन है तो डिपेंड करेगी लेकिन सी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती ये क्वेश्चन आप बताइए कि इंडिया में जीन बैंक ऑफ वीट कहां पर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, लुधियाना कानपुर करनाल आंसर है डी करनाल दोस्तों ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो इंपॉर्टेंट वाले थे जो जनरली आप गलती कर जाते हो आपको मैंने सेट वन टू एट कंप्लीट करके दे दिए हैं अब आपने इनको एक दो तीन बार देखना है जो स्कोर बता रहे हो बहुत अच्छी बात है जो नहीं बता रहे हो कमेंट करो अपना स्कोर कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपके वीक एरियाज क्या लग रहे हैं तब आपको पता चल गया होगा कि आपको बहुत एक ओवरऑल होलिस्टिक तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम के लिए और फोकस तरीके से तैयारी करनी है सो तो अगर ये वीडियो एक परसेंट भी अगर पसंद आ गई हो शेयर कर देना प्लीज़ कमेंट करो बार बार कह रहे हो जो पसंद आए वो कमेंट करो बट कुछ तो कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक तो आप करोगे ही करोगे So, okay, guys, all the best. See you soon. Bye bye.